दिल्ली में हरियाणा के सांसदों के साथ मुख्यमंत्री प्री बजट मीटिंग करेंगे। 10 फरवरी को ये मीटिंग रहने वाली है। तीनों केंद्रीय मंत्री सहित बीजेपी के 10 सांसद शामिल होंगे। बीजेपी हरियाणा प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन भी मौजूद रहने वाले हैं। बजट से पहले सीएम सभी वर्गों के साथ प्री बजट मीटिंग बजट को लेकर कर चुके हैं और बजट को लेकर सुने जाएंगे अब सांसदों के सुझाव। उनके क्या कुछ सुझाव रहेंगे, उनके क्षेत्र से भी जुड़े क्या कुछ संसदीय क्षेत्र से भी जुड़े क्या कुछ सुझाव रहते हैं, इसको लेकर भी देखा जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, बीजेपी हरियाणा प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन मौजूद रहेंगे और प्री बजट मीटिंग यहां पर की जाएगी। बजट से पहले सीएम सभी वर्गों के साथ प्री बजट मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। इससे पहले भी आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल लगभग तमाम वर्गों के साथ उनके सुझाव ले चुके हैं। अब बारी सांसदों की है, अब सांसदों से आज सुझाव लिए जाएंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, तो बजट को लेकर ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत ज्यादा तैयारी करती हुई नजर आ रही है। पहले सभी वर्गों के साथ सुझाव लिए गए, अब सांसदों के भी सुझाव लिए जाएंगे। क्या कुछ इस मीटिंग में रहेगा, क्या कुछ इस बैठक का समय है? बिल्कुल, देखिए दीपशिखा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास वित्त विभाग है, बतौर वित्त मंत्री वो अपना पहला बजट पेश करेंगे। तो ऐसे में बजट से पहले मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम वर्गों की तरफ से रायशुमारी की जा रही है, प्री बजट बैठक की जा रही है। जो विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा उससे तीन दिन पहले तक लगातार जो विधायकों की भी रायशुमारी की जाएगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट से पहले सांसदों की भी राय जानेंगे। इसी के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कल दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है। जो भिवानी से सांसद है धर्मवीर सिंह, उनके आवास पर कल रात बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो हरियाणा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। जो केंद्र में मंत्री हैं वो तीनों मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन समेत जो हरियाणा के बीजेपी के तमाम सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से सांसदों से रायशुमारी की जाएगी, सांसदों की बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से सांसद क्या कुछ डिमांड करते हैं वो रायशुमारी यहाँ पर जानी जाएगी और सांसदों का किस तरह से सहयोग रह सकता है, सांसद क्या राय यहाँ पर मुख्यमंत्री को देते हैं बजट से पहले, वो भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। मुख्यमंत्री की कोशिश रहेगी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार प्री बजट बैठक कर रहे हैं तमाम वर्गों से, चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं चाहे व्यापारी है, सभी से मुख्यमंत्री रायशुमारी कर रहे हैं। विधायकों से भी मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में रायशुमारी करेंगे, उनकी राय मांगेंगे। अनिल मोर, जो अभी तक अभी देखा गया है कि जैसे कि सीएम मनोहर लाल की और उद्योगपतियों से भी मुलाकात की गई है, अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने बैठकें की है, उनके सुझाव मांगे गए, ऐसा लगता है कि इस बार जो बजट आएगा रोजगार पर बहुत ज्यादा फोकस से बजट दिखाई दे सकता है। देखिए, क्योंकि वित्त डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है तो ऐसे में बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री को अपना पहला बजट पेश करना है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार प्री बजट बैठक कर रहे हैं तमाम वर्गों के साथ, चाहे उद्योगपति है, इंडस्ट्री के लोग हैं और दूसरे वर्गों के लोग हैं व्यापारी, उनसे रायशुमारी मुख्यमंत्री कर चुके हैं। प्री बजट बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं सुझाव यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, विधायकों को सुझाव मांगे जाएंगे, कल सांसदों को सुझाव मांगे जाएंगे। तो ऐसे में अब देखना यह होगा जो बजट हरियाणा का आएगा तो बजट में क्या कुछ खास मिल सकता है, और क्योंकि मनोहर सरकार दूसरी बार बनी है, पहले अकेले सरकार थी अपने दम पर बनी थी, इस बार गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ये भी दबाव है और पहला बजट आना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बजट के जरिए प्रदेश की जनता को क्या कुछ दिया जा सकता है और कैसे खुश किया जाए, कैसे उनका भरोसा गठबंधन सरकार को लेकर जीता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बजट को लेकर सांसदों के सुझाव सुने जाएंगे, हरियाणा के सांसदों के साथ प्री बजट मीटिंग सीएम मनोहर लाल की रहने वाली है।